राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण शुल्क में 56 रुपए से 168 रुपए तक की वृद्धि किए जाने से हंगामा मचा हुआ है। अब इसी के विरोध में भाजपा की ओर से गुरुवार को शहर के 6 जोन में निवेदन सौंपा गया। इस संदर्भ में विधायक मोहन मते ने अधिक जानकारी साझा की। गुंडेवारी कानून के तहत प्रन्यास की ओर से किए गए नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। कुछ मामलों में नियमों को ताक पर रखकर नियमितीकरण और प्लान मंजूरी होने से इसे लेकर जांच भी शुरू हो चुकी है। एक और जहां न्यायिक मसलों में गुंडेवारी का मामला अटक गया है, वहीं अब राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण शुल्क में 56 रुपए से 168 रुपए तक की वृद्धि किए जाने से हंगामा मचा हुआ है। इसी चीज के विरोध में गुरुवार को भाजपा की ओर से 6 जोन में निवेदन सौंपा गया। इस संदर्भ में बोलते हुए विधायक मोहन मते ने कहा कि यह सरासर जनता के साथ अन्याय है। एक और जहां फडणवीस सरकार के दरमियान गुंडेवारी कानून के तहत नियमितीकरण शुल्क में 56 रुपए था, वहीं अब महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा इसे 168 रुपए से बढ़ा देने के चलते अब जनता को 3 गुना अधिक शुल्क देना होगा। भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहराच्या वतीने गुंटेवारी कायद्यानुसार जो काही फडणवीस सरकारच्या काळात 56 रुपये दर होता तो या सरकारने 168 केला, आम्ही 106 वरून 56 केला। परंतु गुंटेवारी ज्या सर्वसामान्य लोकांनी ज्यांनी 50 रुपये स्क्वेअर फूटच्या भावाने 100 रुपये स्क्वेअर फूटच्या भावाने आपले प्लॉट घेतले आणि त्यांना ज्या भूर्दंड आहे 168 रुपये म्हणजे त्यांना सर्वांकडून 200 रुपये हा पर स्क्वेअर फूट चार्ज भरावा लागणार आहे आणि त्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आज सर्व मतदारसंघांमध्ये नागपूरच्या 6 मतदारसंघांमध्ये NIT च्या झोनल ऑफिसर आम्ही निवेदन देण्याचं काम आज इथं केलेलं आहे। हा नागपूरकरांना अन्याय दूर न करता हा आमचा प्रयत्न आहे आणि निश्चितच येणाऱ्या काळात जर शासनाने याच्या संदर्भात निर्णय घेतला नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलनही करू, विधानसभेच्या सभागृहातही हा विषय मांडू आणि नागपूरकरांना दिलासा कसा मिळेल या दृष्टीने भारतीय जनता पक्ष। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस मसले को लेकर निर्णय नहीं लिया गया और नियमितीकरण शुल्क को कम नहीं किया गया तो उनकी ओर से इस चीज के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवा, BCN News नागपुर।